लखीमपुर हिंसा को लेकर किसानों का रेल रोको आंदोलन आज। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक करेंगे जाम। लखनऊ में धारा 144 लागू, कानून तोड़ने वालों पर लगेगा NSA। कश्मीर में बौखलाए आतंकियों ने रविवार को और दो गैर कश्मीरियों की गोली मारकर की हत्या। एक अन्य शख्स गोली लगने से हुआ घायल। इस महीने अब तक कई आम नागरिकों को निशाना बना चुके हैं आतंकी। केरल में भारी बारिश ने मचाई तबाही, बाढ़ और भूस्खलन के चलते 31 लोगों की मौत, कई लापता, सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वही राजधानी दिल्ली NCR में भी अचानक बदला मौसम, उत्तराखंड में भी रेड अलर्ट। सूरत में पैकेजिंग कंपनी में लगी भीषण आग, दो मजदूरों की मौत, कई घायल, 125 से ज्यादा लोग बचाए गए, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक बोले, MSP से कम नहीं मानने वाले हैं किसान, इसको देकर केंद्र सुलझा सकती है मसला। दिवाली से पहले ही गुलजार हुआ बाजार, शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर, सेंसेक्स 512 अंकों की उछाल के साथ खुला, निफ्टी भी 18,500 के पार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अखिलेश यादव ने BJP पर बोला हमला, कहा आज पेट्रोल पंप बन गए हैं BJP के लिए पैसों के पंप, BJP पैसे वालों की पार्टी थी, है और रहेगी। देश में 8 महीने बाद 14,000 से कम कोरोना के मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में आए 13,596 नए केसेस, 166 संक्रमितों की गई जान। अनुसूचित जाति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में क्रिकेटर युवराज सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाद में किया जमानत पर रिहा। युवराज पर पिछले साल रोहित शर्मा से लाइव चैट में युजवेंद्र चहल की जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। झांसी में हथियारबंद चोरों ने मचाया उत्पात, एक एक करके दो घरों में दी दस्तक, पुलिस ने मामले से पल्ला झाड़ा। घर वालों के सतर्क होने के चलते टला बड़ा हादसा, पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ नहीं दर्ज किया मुकदमा। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।